आप अपने धन की डीमैट अकाउंट को tv.dhan.co पोर्टल के साथ में कनेक्ट करके जिस भी कंपनी के चार्ट को आप ड्रॉ करना चाहते हैं यानी कि ड्राइंग करना चाहते हैं आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर आप सपोर्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, उसके जो रेंज है वो आप बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लेफ्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इन सभी ऑप्शंस को किस प्रकार से यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू के बारे में, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन ऐप, धन वेब, धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप, धन ऑप्शंस ट्रेडर वेब, इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको धन के डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करना होगा tv.dhan.co पोर्टल के साथ में। सो कनेक्ट करने की कुछ आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप धन की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा लॉगिन टू में जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा धन विद ट्रेडिंग व्यू, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका सेम पेज रिफ्रेश हो जाएगा एंड फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है धन की डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करने की। पहला ऑप्शन है आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं धन ऐप के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस QR कोड को यूज नहीं करना चाहते हैं। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है हाइड QR का, यहाँ पर आपको QR कोड दिखाई देता है, आप इस QR कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर धन के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद में धन की डीमैट अकाउंट का जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमैट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। जो भी OTP आपको मिलता है वो आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही tv.dhan.co पोर्टल के साथ में आपका डीमैट अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर फिलहाल जो मुझे चार्ट दिखाई दे रहा है वो रिलायंस कंपनी का है एंड जो भी चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो मैंने वीकली सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चार्ट आपको दिख रहा है वो किस टाइम फ्रेम में दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वन डे का कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये चार्ट मुझे वन डे का दिखाई देगा। सो आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ये एक कैंडल होगी ना वो एक दिन की होगी, जैसे कि ये 9 जून 2023 की है, ये मुझे 8 जून की मिलेगी। इसी प्रकार से ये एक एक दिन की जो कैंडल है सिंपली मुझे दिखाई देगी क्योंकि मैंने वन डे का जो टाइम फ्रेम है वो सेलेक्ट किया है। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको कर्सर्स मिलते हैं, यानी कि अभी आप ये जो देख पा रहे हो ना ये जो डिजाइन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डॉट कर सकते हैं, एरो कर सकते हैं या फिर इरेजर का जो लोगो है वो ले सकते हैं। मोस्टली ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो यहाँ पर डॉट किया जाता है। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन होता है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पे क्लिक कर लूंगा। उस पे क्लिक करने के बाद में मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसका जो प्राइस है वो बाउंस बैक करने वाला है। सो जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा जहां पे भी मुझे लग रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर एक लाइन लग जाएगी, या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक एरिया बना लिया, किससे नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा या इससे ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। सो आप अपने अनुसार इसको यूज कर सकते हैं, बेसिक सी बात है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया मार्क करना चाहता हूँ, सो आप यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रे है इसका उपयोग कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि नहीं मैं तो पूरा मार्क नहीं करना चाहता, यहाँ तक करना चाहता हूँ। जहां से भी आप करना चाहते हैं वहां पर एक बार क्लिक करेंगे, वहां से ऑटोमेटिक एक जो लाइन होगी ना वो लास्ट तक हिट जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मान लीजिए कि आप किसी कैंडल को ड्राइंग करना चाहते हैं, स्पेशल कुछ मार्क करना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइंग करने का। सो आप यहाँ पर ब्रश यूज कर सकते हैं या हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी एरिया को भी मार्क कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मान लीजिए मैं ब्रश को सेलेक्ट करूंगा, सो अपने अनुसार मान लीजिए कि मैं यहाँ मार्क करना चाहता हूँ, सो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लूंगा। इसके अलावा आपने जो फिलहाल मार्क किया है एरिया, ये जो आपने ड्राइंग की है ये कितनी पतली है, फॉर एग्जांपल कि आप इसको थोड़ा और मोटा करना चाहते हैं यानी कि बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा आपको क्लियर दिखे। सो पिक्सल 1 है फिलहाल, मैं यहाँ पर 4 कर लूंगा। सो ये जो मैंने मार्क किया है ये मोटा हो जाएगा थोड़ा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप प्राइज एक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर एरिया को मार्क करना चाहते हैं कि इसके अंदर आएगा तो फिर मैं ट्रेड करूंगा, या इससे बाहर जाएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। सो आप अपने अनुसार जो हाईलाइट है वो कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। सो आप अपने अनुसार एरिया बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रही है यहाँ पर अपना एक एरिया बनाना चाहता हूँ। सो कुछ इस प्रकार से आप अपने
अनुसार एरिया बना सकते हैं कि इससे जब बाहर जाएगा ना तब मैं ट्रेड करूंगा। इसको आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसके अलावा आपने जो ये फिलहाल एरिया बनाया इसका आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ना, ये आपको जो ऊपर की लाइंस मिल रही है ना, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं रेड कर लेता हूं तो ये रेड हो गया। इसके बाद में जो ऑप्शन मिलता है, ये बैकग्राउंड आपको जो बीच का पूरा एरिया दिख रहा है ना, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो कलर है मेरा वो चेंज हो चुका है, एंड मैं इसको अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। सो मुझे लगेगा कि हाँ, इससे जब बाहर चले जाएगा तब मुझे ट्रेड करना है, या फिर अगर मान लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि जब इससे नीचे आ जाएगा तब मैं बाई करना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, माइंड सेट हर यूजर का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जिस भी स्टॉक में ड्रॉइंग कर रहे हैं, वहां पर आपको दिखता है कि सडनली जो स्टॉक है उसमें बहुत तेजी आ गई है, यानी कि प्राइस अचानक से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। सो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, एक मैसेज लिख सकते हैं कि क्यों, किस कारण इस स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ा, या फिर अगर गिरा है तो आप यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो एकदम से इतना क्यों गिरा। सो आपको उससे याद रहता है कि हाँ, इस कारण इस स्टॉक का जो प्राइस है इतना गिरा था। हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ ऐसा हो तो इतना प्राइस गिर सकता है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें आने वाले समय में, ताकि आप शॉर्ट करके या लॉन्ग करके पैसे कमा पाए। सो आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप जहाँ पे भी मैसेज लिखना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डेमो लिख लेता हूँ, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लेंगे। इसके अलावा आपने जो भी लिखा है, अगर आप उसका साइज कम और ज्यादा करना चाहते हैं तो अपने अनुसार इसको बड़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर फॉन्ट भी मिल जाते हैं, तो आप अपने अनुसार इसका जो डिजाइन है सिंपली वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसका ऑप्शन मिलता है, आपने जो भी लिखा है ना उसको आप एक तरीके से मार्क कर सकते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद में आप ओके पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में जहां पे भी आप मूव करना चाहते हैं आप मूव कर लेंगे। उसके बाद में सबसे ज्यादा ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, उसके अलावा डेट रेंज, इसके अलावा प्राइस रेंज, इसके अलावा डेट एंड प्राइस रेंज, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग पोजीशन वाले ऑप्शन को, मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद में मैंने जिस भी स्टॉक को जिस भी प्राइस से बाई किया, यानी कि इंट्राडे में अपनी पोजीशन ओपन किया, उस कैंडल से मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से किया, सो मैंने यहां पर क्लिक किया। उसके बाद में यहां से मेरी जो पोजीशन है इससे ऊपर मेरी ओपन हुई है, एंड नीचे का जो एरिया है ना वो मेरा एसएल है, यानी कि स्टॉप लॉस है। सो आप मान लीजिए एसएल को कम करना चाहते हैं, सो आप इसको कम भी कर सकते हैं। एंड अगर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा और कम करना चाहते हैं, सो इसी प्रकार से आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सो अगर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो प्राइस रेंज है वो बढ़ जाएगा प्रॉफिट का, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो वो घटता जाएगा। सो जब भी आप इंट्राडे में अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, सो आपकी ये काफी हेल्प कर देता है। सो आप अपने अनुसार इसको यूज कर सकते हैं जब भी आप इंट्राडे में लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, ये डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन किया, सो शॉर्ट पोजीशन वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। जहां से भी आपने अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है वहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर मूव हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कहां पर स्टॉप लॉस हिट कराना है अपना और कहां तक आपको प्रॉफिट बुक करना है। सो इसको आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इमोजीज मिलती हैं, इमोजी को आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी स्टॉक पे आपको नजर रखनी है, सो आप यहाँ पर आई वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपको नजर रखनी है वहां पर आप क्लिक कर देंगे, आई वाला जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस एरिया में रख लेता हूँ, आप अपने अनुसार ये जो आई है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना है अपने अनुसार कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी ड्रॉइंग को लॉक कर सकते हैं, यानी कि आपने जो भी ड्रॉ किया है वो फिर डिलीट नहीं होगा। इसके अलावा आपने जो भी ड्रॉइंग की है ना उसको आप हाइड कर सकते हैं, आपकी जो ड्रॉइंग होगी वो हाइड हो जाएगी, क्लियर आपका चार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी जो ड्रॉइंग है उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो ड्रॉइंग है वो डिलीट हो जाएगी।